रिमझिम बारिश शुरू है मेरे बगीचे में। अगस्त का महीना कोटा राजस्थान में अच्छी बारिश होती है। गर्मियों के बाद एक बार फिर से मेरे बगीचे में हरियाली आ गई है और काफ़ी फूल खिले हैं। आज मैं यही सब आपसे शेयर करूंगी। सामने ये मैंडीविला की वाइन है और वाइट कलर के फ्लावर्स। अगस्त के महीने का मेरा बगीचा दिखाते हुए कई टिप्स भी आपसे शेयर करूंगी। छोटी छोटी बातें पर इम्पोर्टेंट। ये कोलियस का प्लांट है, काफ़ी वेराइटी होती है नर्सरी में। आप छोटे पौध ला सकते हैं, ये आपके पास है तो कटिंग लगा सकते हैं। सितंबर अक्टूबर तक इसी कटिंग लग जाती है, तो सर्दी में पौधा अच्छा पनपा हुआ और सुंदर लगता है। फ्री फॉल कैसोलिना ग्रास बहुत ही सुंदर ग्रास है। रिसेंटली मैंने इसे नर्सरी से लिया। थोड़ी कॉस्टली होती है क्योंकि इसकी डिमांड काफ़ी है। लैंडस्केप डिजाइनिंग में, ग्राउंड कवर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी ब्यूटी ही फ्री फॉल ग्रास है। पूरे गमले को और मिट्टी को इस ग्रास ने अच्छी तरह से कवर किया होता है, तो चेक करके पानी देना होता है, नमी बनी रहे, सूखे भी नहीं और ज़्यादा पानी भी ना हो गमले में। सामने ये मेरे स्कूल के कैमरा केसेस हैं। नए कैमरा लगने के बाद ये केसेस फ्री हो गए थे, कैमरा केसेस, तो इन्हें रिसाइकल करके स्टैंड का एक रूप दे दिया। रेन लिली बहुत ही खूबसूरत बल्बस प्लांट है, पूरे साल गमले को हरा बनाए रखता है और साल में दो बार फ्लावर्स आते हैं, स्प्रिंग और रेनी सीजन। मेरा प्रिय पोनीटेल पाम, इस तरीके से मैं सारे पत्तियां इकट्ठी करके ड्राई टिप्स को काट देती हूँ, एक बहुत अच्छी फील आती है। और नीचे बेस में काफ़ी छोटे छोटे बेबीज निकल आए हैं, तो एक नया शेप आ सकता है इस प्लांट का। कोलियस अभी रेनी सीजन में पनपता है और विंटर में बहुत ही सुंदर लगता है। एरेंथमम भी शेड लविंग ब्यूटीफुल ऑर्नामेंटल प्लांट है, इसे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं फ्लावर वास में। और ये है पान बीटल वाइन, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। बास्केट में भी इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं और अगर टॉल लुक देना है तो मॉस्टिक पे भी इसे चढ़ा सकते हैं। इसे इनडायरेक्ट सनलाइट और मॉइस्चर चाहिए, वार्म्थ चाहिए, तो अच्छा ग्रो होता है। बॉस्टन फर्न और पोथोस मनी प्लांट साथ लगाया हुआ है, दोनों को सेम एनवायरमेंटल कंडीशन चाहिए होती है, अच्छा मॉइस्चर, वार्म्थ, शेड। ये अजवाइन का प्लांट है। कलेंचो सुंदर फ्लावर्स आते हैं विंटर में। ये फाइकस प्लांट बहुत ही सुंदर लगता है इंडोर आउटडोर, घर में ऐसा लगता है बहुत सुंदर ट्री रख रखी है, टॉल, एक अच्छा लुक देता है कॉर्नर को घर में। डार्क ग्रीन लीव्स और शाइनिंग लाइट ग्रीन लीव्स, ये कॉम्बिनेशन इस प्लांट को बहुत सुंदर बनाता है। लांटाना गुच्छों पे फ्लावर्स आते हैं, पूरा पॉट भर जाता है। मेरे पास दो बहुत सुंदर कलर हैं, येलो और रेड। पिंक पर्सलिन और इस बास्केट में वाइट पर्सलिन के फ्लावर्स हैं। डेजर्ट रोज एडीनियम बहुत ही सुंदर रफ एंड टफ प्लांट है, धूप पसंद है और पानी इसे लिमिटेड चाहिए। रेनी सीजन में मैंने इसे शेड में रख रखा है, मिट्टी ऊपर तक भर रखी है, साथ में एलोवेरा लगा रखा है। दोनों को एक जैसा क्लाइमेट और मॉइस्चर चाहिए। ऊपर तक मिट्टी भरने से हम लिमिटेड पानी देते हैं और वही इस प्लांट के लिए बहुत अच्छा रहता है। लिमिटेड और रेगुलर वाटर से इसकी पत्तियां भी निखर कर आती हैं फूलों के साथ साथ। येलो पर्सलिन और ग्लैडुलस के बल्ब साथ साथ लगा रखे हैं।
बारिश के सीजन में बल्बस प्लांट्स पनपते हैं, बहुत ही सुंदर फ्लावर्स आते हैं स्पाइक्स में, और इन्हें बुकेस में और कट फ्लावर्स में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और ये मेरा फेवरेट गुलाब का पौधा है, रोजा सेंटिफोलिया, बहुत ही सुंदर फूल और बहुत खुशबू लिए हुए। अक्टूबर नवंबर में इसकी कटिंग होती है, खाद देती हूँ, तब स्प्रिंग में गुच्छों में फूल आते हैं और बड़े बड़े सुंदर। ये रेनी सीजन के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, बाल्सम और कॉक्सकोम सेलोशिया, बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स हैं, पत्तियां और फूल दोनों ही बहुत सुंदर, और काफी लंबे समय तक इनकी फ्लावरिंग चलती है। वेरीगेटेड हिबिस्कस चाइना रोज, बहुत ही खूबसूरत पत्तियां हैं इसकी शेडेड, सर्दियों में और भी शेड्स इंक्लूड हो जाते हैं, पिंक रेड शेड्स बढ़ जाते हैं ग्रीन के साथ, और ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है। नाग चंपा प्लूमेरिया पुडिका, इस प्लांट की खास बात है लंबा होता जाता है, टॉल ब्यूटी है बगीचे की, और टॉप पे खूब सारे सफेद फ्लावर्स, बगीचे का कॉर्नर बहुत ही खूबसूरत लगता है। गिलार्डिया नौरंगा फ्लावर्स, काफी लंबे समय तक ये प्लांट्स रहते हैं बगीचे में, स्प्रिंग सीजन में इनकी पौध लगाई थी, समर्स में और अभी बारिश की सीजन तक इन पौधों में काफी फ्लावरिंग रही। कैना लिली ब्राइट कलर के फ्लावर्स खिलते हैं, सॉइल में नमी चाहिए, गर्माहट और सनी लोकेशन इनके लिए बेस्ट है। जगमोन्सिया की बेल है, ब्लू कलर के बारीक फ्लावर्स काफी आते हैं, और ये टायर का मैंने इस तरीके से स्टैंड बनवाया है। नीचे जीनिया का पौधा है, बहुत आसानी से सूखे फूल बिखेरे तो पौधे पनप जाते हैं। सामने पोर्टुलिका फ्लावर बास्केट्स हैं, काफी ब्राइट शेड्स में वैरायटी में फ्लावर्स आते हैं, कटिंग से आराम से लग जाते हैं और तेज धूप में खिलते हैं, रेगुलर पानी चाहिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल, तेज धूप, खुली जगह और बारिश का पानी, इसके कारण मेरे गुलाब के पौधे अच्छे पनप रहे हैं और काफी कलियां आ रही हैं। डबल डिलाइट ये रोज बहुत ही सुंदर होता है और खुशबू काफी अच्छी होती है। बारिश के सीजन में मैंने एक बार रोगर कीटनाशक का छिड़काव भी किया था इन प्लांट्स पे। अक्टूबर नवंबर में इनकी कटिंग हो जाती है और अच्छा खाद मिल जाता है तो पौधा अच्छा शेप ले लेता है, और विंटर में बड़े बड़े सुंदर फूल आते हैं। सामने कनेर है, पर्सलिन, ब्यूटीफुल मैंडिविला वाइन, एक रेड शेड में भी मेरे पास प्लांट है, रेड फ्लावर्स। कनेर की ब्यूटी है, ये पेरेनियल फ्लावरिंग प्लांट है और शेप बहुत अच्छा लेता है, नीचे से नैरो और ऊपर ब्रॉड, खूब सारी ब्रांचेस और हर ब्रांच पे गुच्छों में फ्लावर्स। सामने ये स्वीट पोटैटो की वाइन है, गर्मी में तेज धूप में पत्तियां थोड़ी डल हो गई थी, बारिश में फिर से पत्तियों में चमक आ गई है, रफ एंड टफ प्लांट है और स्पीड में बढ़ता है, सेमी शेड पसंद करता है। ग्रीन पोटैटो वाइन और पर्पल पोटैटो वाइन दोनों को मिक्स लगाते हैं तो बहुत सुंदर लगता है।
और इस तरीके से पानी में भी उगा सकते हैं, फ्लावर वास में इंडोर रख सकते हैं पॉट को। एस्पेरेगस का प्लांट बहुत ही सुंदर लगता है बास्केट में, और ये मैंने पहली बार इसके फ्लावर्स देखे हैं, डेलिकेट वाइट छोटे छोटे और ब्राइट ग्रीन शेड के साथ। मैंने येलो पर्सलेन के प्लांट्स लगा रखे हैं, तो येलो फ्लावर्स ग्रीन में बहुत अच्छा कंट्रास्ट। और यहाँ पे पोर्टुलिका के फ्लावरिंग प्लांट्स लगा रखे हैं एस्पेरेगस के साथ। अपराजिता वाइन, इसकी पत्तियां बहुत सुंदर हैं, बेल फास्ट बढ़ती है, पेरेनियल बेल है और काफी फ्लावर्स आ जाते हैं इसमें। चंपा प्लूमेरिया, इसके फ्लावर्स बहुत ही सुंदर और खुशबू लिए हुए होते हैं और फोलिएज भी बहुत अच्छा। कनेर मैंने बॉर्डर की तरीके से लगा रखा है छत पे, वाइट येलो और पिंक। ये नींबू का प्लांट 3.5 साल का हो गया है पॉट में और अब नींबू आने लगे हैं, बहुत ही सुंदर लगता है ये पौधा, काफी बड़ा और घना हो गया है। लास्ट ईयर इसकी जड़ें मैंने प्रून की थी और खाद मिट्टी चेंज किया था, वीडियो भी बनाया है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगी। इसके शेड के नीचे काफी सारे प्लांट्स पनप रहे हैं, ड्रेसिना, तुलसी, मिंट, पुदीना, अरबी, कोलोकेशिया। अभी शेवंती की कटिंग लगाना और पौध लगाने का भी बढ़िया टाइम है, विंटर प्लांट क्रिसेंथेमम। ये आलामंडा का प्लांट है, बहुत ही सुंदर फ्लावर्स आते हैं। ये मेरी लिलीज की वैरायटी है, रिसेंटली लगाया है और अब मुझे जल्दी ही सरप्राइज मिलेगा, अलग वैरायटी की लिलीज देखने मिलेंगी गार्डन में। ये एलोवेरा का प्लांट बहुत पुराना है, एक बहुत सुंदर शेप ले लिया है। और ये मेरे फेवरेट सोलर पावर्ड टॉयज हैं, बगीचे में लाइफ ले आते हैं, जैसे ही सूरज उगता है इनकी डांसिंग शुरू हो जाती है। एलोवेरा बास्केट्स, और ये बहुत बड़े टोकरे में काफ़ी सारे छोटे पॉट्स रख रखे हैं, पोर्टुलिका, पर्सलिन और पेरेनियल वर्बीना मिक्स, तो बहुत ही सुंदर लगता है। इसकी अभी मैं कटिंग करूंगी तो और नई फुटान आएगी और नई कलियां और फ्लावर्स। बारहमासी पौधा है वर्बीना पेरेनियल। तुलसी, बारिश में तुलसी अच्छी पनप जाती है, तुलसी को नमी चाहिए होती है। ईस्ट फेसिंग सन की तरफ है ये पौधा ताकि मॉर्निंग सन मिले, हार्श क्लाइमेट इसे पसंद नहीं है, ओवर वाटरिंग भी ठीक नहीं रहता तुलसी के लिए। स्पाइडर लिली प्लांट, इसका फोलिएज बहुत सुंदर है, तो प्लांट को मैंने मल्टीप्लाई करते हुए बॉर्डर बना दी है।
व्हाइट और ग्रीन कॉन्ट्रास्ट बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और सामने लेमन ग्रास की बॉर्डर है। फ्रेंड्स, अब समय है कहने का गुड बाय, पर जाते जाते मैं एक बहुत सुंदर चीज़ आपको दिखाना चाहती हूँ, मॉर्निंग ग्लोरी। इस बेल को आप ज़रूर लगाएं, फटाफट लग जाती है। मॉर्निंग में सबसे पहले फूल यही खिलते हैं और हमें खुशी देते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, और सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं। बाय बाय, लव यू फ्रेंड्स।